Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine and welcome to my first vlog. अब मैं ये first vlog क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले काफ़ी सारे videos बनाए हैं तो मैं इसे first vlog क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी सारे videos बनाए हैं मैं उसे vlog नहीं मानता. मैं जिस तरीके से vlog बनाना चाहता था मैं वैसा बना नहीं पाता था, पर अभी मैं बना सकता हूँ. ऐसा मान लो कि वो एक प्रैक्टिस था और अभी प्रैक्टिस हो चुका है तो टेक्निकली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं है, फर्स्ट वीडियो या फिर फर्स्ट व्लॉग नहीं है. तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो का ये मकसद है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है और कैसे उस गलतियों को मैंने सुधारा है. और इस वीडियो में मैं अपने पुराने क्लिप्स भी यूज़ करूँगा, मतलब ये मज़ेदार है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखो, शायद तुम्हें कुछ सीखने को भी मिल जाए. तो मैं गलतियों के बारे में बात कर रहा था कि सबसे पहला गलती ये है कि मेरा स्पीकिंग स्टाइल, तो मेरा स्पीकिंग स्टाइल कुछ अजीब सा था. उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखो. होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चारकोल पेंसिल के बारे में. पहले मैं बहुत धीरे धीरे बात करता था, ऐसा लगता था कि किसी ने डांट दिया हो, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो गया है. बट कभी कभी फिर भी प्रॉब्लम आता है, वो मैं मैनेज कर लेता हूँ. तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया, अब मैं उसके बारे में बात करूँगा. तुम्हें ये सुधारना है तो तुम्हें बस एक चीज़ करना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अब प्रैक्टिस कई तरह का होता है, जैसे कि तुम खुद से बात करो, मिरर के सामने रहकर बात कर सकते हो, या फिर कभी कभी तुम ये काम कर सकते हो कि कैमरा खोल सकते हो. रिकॉर्डिंग मत करो, बस बातें करो, तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा. और एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि रीडिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. मतलब रीडिंग मतलब ये नहीं कि तुम खुद से पढ़ो, ज़ोर से पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करूँगा, वो है बॉडी लैंग्वेज. अब बॉडी लैंग्वेज क्यों, पहले ये वीडियो देखो. Hey guys, welcome back to the channel and I hope you guys are doing. आप लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया होगा और आपको पता लग ही चुका होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. पहले मेरा बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्टिप. एक मिनट, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो बॉडी लैंग्वेज मेरा था वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था. मैं ज़्यादा हिलता नहीं था, ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बस सीधा आ जाता था और मैं वीडियो बना लेता था. तो अभी कुछ ऐसा नहीं है. तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, मैं खुद को अभी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ. अपना बॉडी लैंग्वेज भी पहले से सही हो चुका है. सो इसके लिए भी आपको वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और आप ये भी कर सकते हो कि तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करो और उनको अपने हाथों का एक्सप्रेशन से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करो. और तुम एक और काम कर सकते हो कि तुम मिरर के सामने जाकर बात कर सकते हो, तो फिर तुम खुद को जज कर पाओगे कि तुम्हारा हैंड जेस्चर कैसे चल रहा है या फिर तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन ठीक हो रहा है या नहीं. सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रूमिंग. अब ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऋतिक रोशन या फिर शाहरुख खान जैसा दिखना है. ग्रूमिंग मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब सही होना चाहिए, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं करता था. उसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है, पहले ये वीडियो देख लो. काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है, बट कोई बात. अब ये जो पॉइंट है मैंने बहुत देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, फिर मुझे समझ में आया ऐसा करना नहीं चाहिए. उसके बाद मैं खुद का टेक केयर किया. अब फिलहाल कुछ तो है, मतलब प्रेजेंटेबल तो है, बस यही है. और भाई और बहनों, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट ये है कि एफर्ट, हमें एफर्ट लगाना है. मतलब हमें लेजी नहीं बनना है. मतलब जो भी वीडियो तुम बना रहे हो, मतलब जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा या फिर तुम बनाओगे, अपना फुल 100% देने की कोशिश करो अपना, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं करता था. अभी भी कोशिश करता हूँ करना, बट कभी कभी हो नहीं पाता. बट मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा 100% दूँ, चाहे वो एडिटिंग को लेकर, चाहे वो एंगल को लेकर, सब कुछ को लेकर. इसके पहले ऐसा था कि मैं मतलब वीडियो बनाना है, मैंने कैमरा खोल लिया और मैंने वीडियो बना लिया. पर अभी ऐसा नहीं होता है. मैं एक दिन पहले सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ. तो यही था बस.